तो गाइज लोग मैं सीधे वीडियो के टॉपिक पे आता हूँ, मतलब पॉइंट पे आता हूँ। तो देखो अगर इस वाली वीडियो को तुम लास्ट तक देखोगे ना तो तुमको मैं इस वाली वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बता दूंगा, सीएस की मिस्टेक्स के बारे में बता दूंगा जो कि हर कोई बंदा करता है, मतलब चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, हर प्लेयर करता है चाहे अनजाने में चाहे जाने में, मतलब करता ही यार। तो इसलिए वीडियो क्लास तक जो देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर घंटे दाम खेलने में आ जाना। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोग पहले नंबर गलती तो हर कोई करता है, मतलब कि ग्लू वाल और नेट को खरीद के उसका यूज नहीं करता यार कोई, मतलब कि उसको पता नहीं किस दिन के लिए बचा के रखते बंदे कि उसका यूज नहीं करते जरूरत पड़ने पर। अभी देखो यहाँ पे जरूरत थी एक ग्लू वाल की तो मैंने यहाँ पे लगाया ही नहीं यार, अगर यहाँ पे मैं ग्लू वाल का यूज कर लेता तो शायद मैं नॉक ना होता। तो इसलिए बोल रहा हूँ तुम ग्लू वाल या नेट खरीदो तो उसका यूज कर लिया करो, अगर जरूरत पड़े जब जहाँ जरूरत पड़े तो उसको यूज तुरंत कर लिया करो, उसके लिए मोह माया मत दिखा करो कि अगर मैं उसको बचा लूंगा तो मेरे घर पे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घर पे कुछ नहीं आएगा। तो ये वाली गलती भी सभी धुआंधार करते हैं यार। तो करते क्या है कि दो गन लेकर चलते हैं बंदे और एक गन का यूज करते हैं, एक गन का कोई यूज ही नहीं करता, मतलब उसको बस सुंदरता बढ़ाने के लिए रखता है, हाथ ही शोभा बढ़ाने के लिए रखते हैं। तुम ऐसा मत किया करो, अब से देखो एक किया क्या करो कि एक गन का यूज पाता तो एक गन ले लिया करो, एक गन तुम किसी एनिमी को मार के ले सकते हो, मतलब उसकी क्रिएट से लूट सकते हो। और तो देखो जो गन का पैसा बचता है ना उससे तुम वेस्ट खरीद सकते हो, हेलमेट खरीद सकते हो, या तो फिर उसका पैसा रखो अगले राउंड में तुम्हारा काम आएगा पैसा, मतलब कि अगले राउंड में तुम अच्छी गन ले सकते हो, तो मतलब कि फालतू में पैसा ना बर्बाद किया करो ना गेम में ना रियल लाइफ में। भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से सेट कर लेना, तो ध्यान करके सब कुछ कर लेना। तो देखो अगली नंबर गलती क्या करते हैं, अगर तुम किसी एनिमी को अपने एम को सेट करो और तुम्हारा एम उसके ऊपर नहीं सेट हुआ है तो तुरंत से फायरिंग को रोको और ग्लू वॉल लगा के फायर मतलब गन को लोड करो फिर से और उसके ऊपर फिर से एम सेट करके उसको फिनिश कर दो यार तुरंत से। अदरवाइज अगर तुम कंटिन्यूसली फायर करते रहोगे तुम्हारा एम उसके ऊपर नहीं सेट हुआ है तो तुम आराम से वो तुमको आराम से मार देगा यार, क्योंकि तुम्हारा एम उसके ऊपर सेट ही नहीं हुआ है। तो उस तरह की गलतियों को अवॉइड करो, छोटी छोटी गलतियों को। लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई साहब, ये वाली मिस्टेक रैंडम प्लेयर्स के साथ सबसे ज्यादा होती है मैंने देखा है, क्योंकि भाई साहब मेरे साथ भी हुआ है। अक्सर होता क्या है कि तुम्हारा टीममेट कोई भी नॉक हो जाता है चाहे तुम खुद नॉक हो जाते हो ना, तो रैंडम प्लेयर्स कोई भी रिवाइव नहीं देता यार, वो अपने ईगो में रहता है कि मैं वन मैन आर्मी बन के दिखाऊंगा सबको मार के दिखाऊंगा, इसी तरह तुम्हारी टीम हार जाती है यार रैंडम प्लेयर्स के साथ। तो देखो अगर कोई भी नॉक हुआ ना तो उसको तुरंत जाकर रिवाइव दिया करो, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारा रैंडम प्लेयर हो कोई भी हो, तो तुरंत रिवाइव दोगे तो तुम्हारा एक मेंबर बढ़ जाएगा तुम्हारी टीम का, तो वो आराम से तुम मैच जीत सकते हो, अदरवाइज चांसेस कम हो जाते हैं जीतने के अगर कोई भी मर जाता है तुम्हारे ईगो में या तो तुम्हारे टीममेट के ईगो में। तो ऐसा मत किया करो, तुरंत रिवाइव दिया करो, वो भी रिवाइव देगा अगर तुम पहले शुरुआत करोगे तो वो भी पीछे पीछे अगर तुम कभी नॉक हुए तो वो भी रिवाइव देगा यार। तो यार बस यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूं तुमको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।